ऑर्गेनाइजेशन है J&K ड्यूटी से, उनकी ओर से की गई है। जो हमारा दुखद हादसा, जो फायरिंग इंसिडेंट जो रजौरी के अंदर 16 तारीख को हुआ था, उन दो हमारे नौजवान सिविलियन जो शहीद हो गए थे, उन्हीं को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानते हैं कि उस दिन जो 7 घंटे उन लोगों ने नेशनल हाईवे बंद रखा था, उसके बाद जाकर आर्मी के बीच में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। हम आज चाहते हैं कि उस कॉम्प्रोमाइज को इन लेटेस्ट स्पीड उन सही मायने में लागू किया जाए और जल्दी लागू किया जाए। उसकी जो शर्तें थी, एक तो ये था कि आर्मी की तरफ से जो उनके डिपेंडेंट हैं सुरेंद्र कुमार और कमल किशोर की, उनके फैमिली को, उनके डिपेंडेंट को एक एक को नौकरी मिलनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि बच्चे जो हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहे हैं, कॉलेज लेवल तक उनकी पढ़ाई जो है फ्री होनी चाहिए। और उसके बाद जब एक FIR लाइज होनी चाहिए, सिट कॉन्स्टिट्यूट मतलब होनी चाहिए, और उसके बाद जो सिट की जो फाइंडिंग आई, उसके बाद जो कंपेंसेशन जो आर्मी की ओर से वो मिलनी चाहिए। ये जो उनके उस दिन के जो मेन जो उधर है, हम चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर लागू होनी चाहिए। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर रजौरी गए थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से गए थे, 5-5 लाख रुपया उन परिवारों को दिया, दोनों परिवारों को दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि ये बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि उन परिवारों के, उनके घरों की हाल देखें, उन परिवारों के हाल देखें तो कलेजा फटता है, सीना फटता है उन लोगों की हालत देखें। और जहां पर वो रहते हैं किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि रजौरी के जो म्युनिसिपल वहां पर कमेटी है, जो काउंसिल है, वहां के वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत वो फलियाना का वह मोहल्ला आता है, लेकिन कोई सुविधा लोगों को नहीं है। उन लोगों ने भी, और हमने भी, जहां 5 लोगों का डेलीगेशन जम्मू से गया था, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असलम जी और डिप्टी कमिश्नर रजौरी से मिला था, उनको पूरा ब्रीफ किया था कि उन लोगों की क्या हालत है। और जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज जो किया है, जो कॉम्प्रोमाइज डील हुए हैं, वो इन लेट एंड स्पिरिट जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए। जो उन बच्चों को उनकी पढ़ाई का मसला हो, उनके डिपेंडेंट की नौकरी का मसला हो, उनको कंपेंसेशन एक्सग्रेसिया का मसला हो। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्टेट के, और मैं खसूसन तौर पर एक बात जरूर कहूंगा, एक बात ये समझ लीजिए कि उन परिवारों के साथ हम सब लोग हैं, पूरा देश उन परिवारों के साथ है, और किसी किस्म की कोताही जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है SSP की ओर से, अंडर द डायरेक्शन ऑफ DGP JK ड्यूटी, हम पूरा भरोसा करते हैं सिट अच्छी तरह से काम कर रही है और आने वाले टाइम में अच्छी तरह से काम करेगी, हमें पूरा भरोसा करते हैं। और इंडियन आर्मी के ऊपर भी हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस किस्म में किसी भी किस्म की कोताही नहीं रखेगी। हमें उन्होंने अश्योर किया था, डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने हमें अश्योर किया था, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इससे हम जल्दी से जल्दी लागू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो उन परिवारों की जो हालत है, उन परिवारों की हालत देख के किसी का भी सीना छलनी हो सकता है। लिहाजा जल्दी से जल्दी है ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि उन लोगों को राहत मिले। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहां जाए, उनका जो एक्सग्रेशिया है, जो सिमिलर केसेस हुए हैं, इसी तरह के केसेस जो JK ड्यूटी, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे जम्मू डिवीजन की बात हो, उनके बराबर उनको एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए, ये हमारी अपील है।